आज आप इस वीडियो में सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपकी फ्यूचर में होती है सिंपल तरीके से वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। समथिंग इज हैपन इन फ्यूचर, जैसे इसको आप पहचाने कैसे, जैसे मैं बाहर जाऊंगा, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल ये करूंगा करूंगा, तो लास्ट में जब आपका टेंस में क्या है गा गी गे आता है तो आपका होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस अभी तो आपका हिंदी में हो गया, इंग्लिश में कैसे समझेंगे इसको, बाय हेल्पिंग वर्ब। तो आपका पुराने टाइम में या पहले से यूज करते आ रहे हैं शैल और विल, लेकिन अभी के टाइम में विल का यूज करते हैं शैल का यूज नहीं करते। शैल का यूज अभी नहीं होता, मतलब होता है शैल का यूज लेकिन अभी फ्यूचर टेंस के साथ शैल का यूज नहीं होता, अभी सिर्फ ओनली विल का यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इज विल ओनली, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी ओनली विल। आते हैं सिंपल सेंटेंस पर, तो सिंपल सेंटेंस पे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कल भोपाल जाऊंगा या मैं कल मुंबई जाऊंगा, मैं कल मुंबई जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। या फिर वो तुम कल स्कूल जाओगे, ये क्या हो जाएगा, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। मीन्स द फ्यूचर जो भी यूज करना है हमें इसमें आपका यूज होगा विल। तो हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है वो क्या, आपकी विल। नेगेटिव में क्या होता है, क्या तुम कल कोचिंग नहीं आओगे, क्या तुम कल नहीं आओगे, तो नहीं मतलब नो। तो इसका पहले हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। अब मैं आपको एक बार बता दूं, विल नॉट की जगह वॉन्ट यूज कर सकते हो, विल नॉट की जगह शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो आई विल नॉट, तो आई वॉन्ट यूज कर सकते, आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। ये भी कह सकते हैं, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू। और इसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव सिंपल है आपका, इंटरोगेटिव में क्या होगा, बिल आपका बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, तो बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम कल स्कूल आओगे, विल यू कम स्कूल टुमारो। विल यू गो देयर। मीन्स क्वेश्चन आप करें, क्या तुम कल यहाँ आओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। मीन्स आपको क्वेश्चन करना है सिंपल, विल यू गो देयर, विल यू कम हियर। इस तरह से विल यू गो कोचिंग, इस तरह से कोई भी आप फ्यूचर में पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन होता है। तो ये आपका था सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो प्रैक्टिस करें, बहुत आराम से आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।